तो ऐसी भी कोई मशीन है तेरे पास? वो पसे आलू डालो नीचे से सोना निकले, वो पसे आलू नीचे से सोना। आलू से सोने की नहीं है लेकिन सेंधाने से तेरी की है। अच्छा तो डाम back in my bag and I got a brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in no. Lovely good morning to all of you from another city. It's Washim. और कल रात को मैं वाशिम आया था। मॉर्निंग का प्लान था कि अमरावती जाना है था, मतलब अभी ऑलमोस्ट कैंसिल होने में ही है, अभी फाइनल नहीं है, हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, हो सकता है कि जाना भी पड़े, जाना पड़े तो चले जाएंगे, नहीं जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। वाशिम में सारे दोस्तों से मिल लेंगे, गपशप लड़ाएंगे और यहाँ से 70 किलोमीटर अवे लोनार लेक है, वो जाके विजिट करने का प्लान है मेरा। अभी देखते हैं सारे दोस्त क्या बोलते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। एंड आपने एक चीज़ नोटिस करी, कुछ ज़्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ ना आज मैं। पिछले 2 घंटे से मैं रेडी होके बैठा हूँ, मतलब 8 बजे के आसपास मैंने अभय को फोन किया था कि मैं रेडी हो रहा हूँ भाई तो आ जा, बोलता 15 मिनट में आया भाई, 15 मिनट में, 15 मिनट छोड़ो अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो रहे भाई। और उसके बाद मैंने योगेश को फोन किया 9 बजे, बोलता है 10 मिनट में आ जा भाई, घर पास में ही अपना मस्त बैठ के कॉफी पियेंगे। आधा घंटा हो गया किसी का कॉल नहीं आया, हद होती है, मतलब हद होती है। ऐसे निकम्मे दोस्त मिलो ना सच में जिंदगी झंड हो जाएगी। को हमारे मित्र योगेश जो इससे शायद आप कभी मिले नहीं होंगे, ये रात को 2 बजे आते और 2 बजे मैंने होटल के पार्किंग से अपनी रेड बुल निकाल के यहाँ लगा दी थी क्योंकि होटल में मुझे सेफ लगी नहीं। और सुबह सुबह मैं आराम से सोच क्या दिख रही यार, वही 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 सूट हो जाए इसको यहाँ पे। अपना जन्म जन्म का दुश्मन है भाई, कुत्तों से ना पहले जमती थी ना अभी जमती है। तेरा नाम रॉकी क्यों रखा था लेकिन अपन ने? ये क्या रॉकी? वादा रहा, वादा रहा, चल वादा रहा, चल बोलते हैं। कॉलेज की सब लड़कियां मेरे को, मेरे पास इंफॉर्मेशन रहती थी तो इसलिए वो रॉकी नाम रखा था इश्क विश्क में के रॉकी के ऊपर से, और वो तूने रखा था कभी ने शायद तक। ये वाली अपाची जो पुसद में थी, तेरे पास यही थी ना इसी वाली? ये देखती तो क्या वाला पता है, एग्जॉस्ट भी बड़ा ही प्यारा था। आई थिंक ये फर्स्ट वाली अपाची थी ना, फर्स्ट लॉन्च हुई वाली, इससे पहला अपाची आरटीआर वाली नहीं रे, ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट ये सेकंड है, पहले मैकविल नहीं था, स्पोकविल था, सुन विकी के पास थी, ये सेकंड वर्जन है। सादी अपाची थी, अपाची आरटीआर 160 थी, वो 150 थी, ओके ये 160 फर्स्ट है, ओके। तब वो टाइम पे अपाची रहना मतलब कि भाई खत्म, अपाची और R15 दो ही बाइक ऐसे थे, माहौल होता था माहौल। तो इसके पास अपाची थी, अभय के पास भी सेम कलर की अपाची थी, मैं कंफ्यूज था अपाची और R15 में, फाइनली R15 ले ली। Back in my back flow, we back again so highly. Just that back in my back flow, we back to chase the climbing. Just that back in my back flow, we bring the force like Tommy. अच्छा लकड़ी, ओके। और ये भी है स्टोन नीचे का। अच्छा ये लकड़ी और स्टोन के बीच में जो सीड रहे थे उसको क्रश करके नीचे से जो ये निकले होल उसमें से अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है, और अपन छन्नी लगा के उसको छान के लेते हैं। उसके बाद में उसको 24 से 48 घंटे के लिए सेट होने के लिए सेडिमेंटेशन बोलते हैं जिसको अपन, उसमें से उसका गाल कचरा वगैरह जो कुछ होगा नीचे चले जाएगा, पूरा नीचे सेटल हो जाता है। अच्छा। ऊपर का जो तेल प्योर एकदम पैक करते, उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं रहता है, कोई केमिकल ऐड नहीं रहता है। तो टेम्परेचर भी अगर इसका सोचा जाए तो जब क्रशिंग होती है तो उसका टेम्परेचर मैक्सिमम 40 डिग्री के नहीं, रूम टेम्परेचर के जितना ही रहता है। अपने इस पे जो है अपन रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो रिफाइंड ऑयल के अंदर 300 डिग्री तक उसका टेम्परेचर, जब वो क्रशिंग होता है ऑयल बनता है तो 300 डिग्री तक उसको बॉयल किया जाता है। उसके बाद में उसके अंदर कास्टिक सोडा और बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स रहते हैं, उसको ऐड किया जाता है। इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होता है, सीधा ऊपर से सीड डालो, नीचे से ऑयल निकालो। तो ऐसी भी कोई मशीन है तेरे पास? वो ऊपर से आलू डालो नीचे से सोना निकले, ऊपर से आलू नीचे से सोना। आलू से सोने की नहीं है लेकिन सेंधाने से तेल की है। चीज़ को अगर तुम बॉयल करते हो उसके मेन कंटेंट जो है वो तो उड़ती जाना है, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं। तो दूसरी ये बात है कि अपन यहाँ पे कैसे एक एक वीक में एक एक बैच निकालते, अपन बहुत सारा निकाल के स्टोर करके नहीं रखते। जैसे निकालने के बाद में ऐसे टैंक रहती है, टैंक के अंदर अपन उसको, अब ये सेडिमेंटेशन के लिए रखा हुआ है, उसको सेडिमेंटेशन के लिए रखा है, छोड़ना देना। क्या सुगंध आ रही है भाई, मैं कंफ्यूज है यार, लाकड़ी खाना होता क्या है, मतलब क्या, ठीक है नेचुरल ये तो समझ गया था। उसके बाद मैंने नांदेड़ में भी बहुत जगह देखा तो अंदर से क्यूरियोसिटी देखी, देखना है यार एग्जैक्टली होता क्या है। सो इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल,
जो भी मार्केट में ऑयल लेते हैं उसके अंदर ऑब्वियसली केमिकल्स मिले हुए रहेंगे, प्रिजर्वेटिव रहेंगे, एसेंस रहेंगे एक गुड स्मेल आने के लिए, और पाम ऑयल जो कि कैंसर कॉजिंग है आपको तो पता ही है, ऑब्वियस थिंग है, ये थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा, बट थिंग इज दैट कि हेल्थ पे अपने खर्चा करोगे ना तो फ्यूचर बेटर रहेगा। सर को भी यही बोल रहा है, जरा सा हेल्थ पे अपने ध्यान रखो, गोल बनाए, दूसरों की हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। चलो बाय बाय, सी यू सून, हैड अ फर्स्ट क्लास डे, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बैग पैक हो चुका है और मुझे हमने एक ही लाए थे, सोच रहा था नया ले लूँ लेकिन ठीक है काम चला लेंगे, और बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही गजब मज़ा आया। कभी कभी होता है ना कि कहीं जाना है कुछ पर्पज़ से नहीं, बस दोस्तों के पास मिलना है, सुकून से बैठना है, सुकून से बातें करनी है, इट्स लाइक हज़ारों करोड़ों रुपए देने के बाद भी इतनी खुशी नहीं मिलती है। शाम के 4 बजे, लेकिन भाई साहब ऐसा प्यारा मौसम है ना तो राइड करने का मज़ा ही कुछ और होता है। अरे यार आंटी ये देखो, ऐसे चलोगे तो कैसे चलेगा, मतलब कोई लेन देन नहीं इनको कि लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है, बस अपने को तो सीधा चलना है, इसी वजह से पता है एक्सीडेंट होते हैं। सिटी से बाहर जाने तक का हमें लोड है, इसके बाद कोई टेंशन नहीं भैया, टॉप और टॉप हाईवे मिलने वाला है सीधा नांदेड़ तक। ये अभी जो बंदा भगते हुए गया ना, शायद आपको दिखा होगा, ये ऐसे बंदों की वजह से ना एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब मान लो वो बंदा अगर इधर से भगता हुआ आता तो मैं अगर यहाँ से ओवरटेक कर देता जैसे अभी किया तो 100% ठुक जाता ना। कब समझेंगे यार लोग इस बात को कि यार अब ब्लाइंडली मत भागो, ठीक है आप एक व्हीकल को देख रहे हो, उसके पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है क्या, ओवरटेक कर रहा है क्या, इस बात को समझो। और राइडर्स लोग आप भी इस बात को समझो कि अगर आप किसी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो तो देखो क्या आगे पीछे से कोई चांसेस दिख रहा है आने का, अगर नहीं है तो देन जस्ट गो, अदरवाइज डोंट गो। दो चीज़ों के लिए मुझे रुकना पड़ा, एक तो मेरे हेयर्स, एक्चुअली मैं बालों को बढ़ा रहा हूँ मेरे, तो जस्ट मेरे वाइजर के सामने आने लगे, मतलब मेरे आँखों के सामने आने लगे थे, और दूसरी बात गोप्रो का लोकेशन थोड़ा सा नीचे हो गया था जिसकी वजह से मुझे लाइट दिख नहीं रही थी, अब इससे मुझे अंदाज़ा नहीं आता कि रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं, सो उसको भी मैंने अभी सेटल कर दिया है। अभी हम कहीं भी नहीं रुकेंगे, सीधा निकलेंगे हमारे मंजिल की ओर। ओह हनी लेट्स बिगिन द जर्नी। One more thing I want to share with you, अगर आप सुपर बाइक राइड कर रहे हो या फिर आप कोई भी बाइक राइड कर रहे हो, हाई स्पीड में हो, लगता है कि बाइक कंट्रोल नहीं होगी ना, तो ब्रेक के साथ साथ गियर पे भी कंट्रोल करो। कैसे करना है, बस गियर्स को डाउन करो और क्लच हल्का सा छोड़ो, अपने आप बाइक कंट्रोल हो जाएगी। स्पेशली ये सुपर बाइक्स के लिए बहुत आसान टेक्निक है। क्या होता है ना, फर्स्ट गियर हमारा नीचे होता है, बीच में न्यूट्रल होता है, और उसके बाद बाकी गियर्स होते हैं। ये सुपर बाइक में इसलिए दिया जाता है ताकि हाई स्पीड को आप आसानी से कवर कर पाओ। अब हड़बड़ी में क्या होगा अगर आप गियर डाउन करना चाहते हो तो न्यूट्रल पे गिर जाएगी, इसी वजह से फर्स्ट गियर हमेशा नीचे रखा जाता है ताकि आप जितने फास्ट डाउन कर सको करो, फर्स्ट गियर पे हल्का सा क्लच छोड़ो और गाड़ी की स्पीड जो है कम्प्लीटली कंट्रोल करो। एक चीज मुझे समझ में आई कि मेरा हेलमेट परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, एरोडायनामिक तो है ही नहीं भाई, गलती कर दी मैंने हेलमेट चूज करने में। सब सच्ची में यार गर्मी में ना हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इट्स लाइक विंटर सीजन ओके होता है यार राइडिंग के लिए, इतने में मेरी हालत ऐसी हो रही है, डिहाइड्रेट सा लग रहा है। अभी सोच रहा हूँ रोड अच्छा है 360 लगा देते, अच्छे से कुछ 360 व्यू लेंगे, लेकिन इसकी बैटरी है ना सिर्फ 30% है, कोई नहीं 30% में भी अच्छे शॉट्स आ जाएंगे। एंड लुक व्हाट हैपेंड, ये जो ऊपर का टेम्पर्ड ग्लास है ये टूट चुका है, कोई नहीं दूसरा हो जाएगा। ये आ गया मस्त मौला रोड, ब्लैक रोड, ये जो डांबो वाला रोड होता है ना ये बड़ा ही प्यारा होता है, ये क्लीन होता है, पता है जो सीमेंट वाले रोड होते हैं परफेक्ट तो लगते हैं लेकिन हल्के बाउंसी होते हैं, कहीं कहीं से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये वाला एकदम परफेक्ट होता है। Like a travel plan, home a sense of face, lucky power plan, yeah I'm off that dope, like I'm back again to busy at the
पता है ये वारंगा फाटा है जहाँ से मैंने मेरे पुसत के लिए मतलब जहाँ मेरा एजुकेशन हुआ वहाँ जाया करता था भाई, इतना गंदा था ये एरिया, आज देखो क्या डेवलप कर दिया है। वैसे बाय द वे जब हम दिल्ली जाएंगे ना तो इसी रोड से जाने वाले, तब दिखाऊंगा क्या डेवलप हो चुका है ये। बहुत प्यास, ज़्यादा प्यास लगी है। अब मैं रुक इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि बस 7 किलोमीटर पर मेरा घर है, तो अभी रुक के क्या करूँगा। ये शॉर्ट टूर जो मैंने किया ना ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा है मेरे लिए। इतने लंबे जर्नी पे मैं जाने वाला था, अगर सीधा चले जाता ना बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। सबसे पहली चीज़ ये समझ में आई कि जब मैं आया था इंदौर से तो विंटर सीजन था भाई, थकावट बहुत कम हुई थी, लेकिन समर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आता है। हाइड्रेटेड रखना खुद को बहुत ज़रूरी है। थिंग इज़ दैट कि एक थर्मास मुझे बैग में रखना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट 1 लीटर ठंडा पानी रहे, क्योंकि ठीक है मैं ठंडा पानी की बॉटल ले लूँगा लेकिन वो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग में गर्म हो ही जाएगी, तो एक थर्मास लगेगा जिसमें ठंडा पानी हमेशा रहे। और भाई मुझे बट का कुछ करना पड़ेगा, बहुत दर्द देते यार बट, सही में बहुत ज़्यादा। मैं सोचा था कि मेरे सीट को अपग्रेड कर लूँ लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं, क्योंकि सीट निकाल के देनी पड़ेगी फिर वो अपग्रेड होके आएगी, इसमें 7-8 दिन चले जाएंगे, अभी इतना टाइम है नहीं। तो ऐसे ही कुछ छोटा मोटा जुगाड़ करके देखना पड़ेगा, कुछ बट सपोर्टर्स वगैरह मिलते हैं क्या वो लेना पड़ेगा। और भाई मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, व्लॉग को यहीं ख़त्म करते क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, और ज़्यादा बात करूँगा तो और ज़्यादा गला सूख जाएगा। सो सी यू सून, होप यू लाइक द ब्लॉग। पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। Till then, bye bye, take care, sashri akal, zindagi bhar. I'm back in my, this my, back in my bag flow,